इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज 37वां दिन है। सरकार से बातचीत से पहले किसानों का ये मंथन आज होने वाला है। आपको बता दें कि 80 किसान संगठन ये बैठक करेंगे और 4 जनवरी को होगी सरकार किसानों के बीच वार्ता। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और अपनी मांगों पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। तो लगातार बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां किसानों का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। 37वें दिन जा पहुंचा है किसानों का प्रदर्शन। इसी के साथ आपको बता दें कि सरकार से बातचीत से पहले किसानों का आज मंथन होने वाला है और इस मंथन में 80 किसान संगठन बैठक करेंगे। 4 जनवरी को होगी सरकार किसानों के बीच बातचीत और क्या कुछ होने वाला है बातचीत में वो 4 जनवरी को ही पता चलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन वो लगातार जारी है। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, किसान आंदोलन का आज 37वां दिन है और इसी के साथ जो बड़ी खबर आ रही है कि सरकार से बातचीत से पहले किसानों का आज मंथन होने वाला है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल कहें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों का आंदोलन है वो कहीं ना कहीं काफी दिन बीत चुके हैं, लगभग कह सकते हैं 37वां दिन है आज। और कहीं ना कहीं सरकार से अभी भी किसानों की उम्मीद है कि सरकार जो कृषि कानून लेके आई है उसे वापस करे। मगर जिस तरीके से हमने देखा था कि 30 दिसंबर की जो बैठक हुई थी उसके अंदर सरकार और किसानों के बीच में कुछ सहमति जरूर बनी थी, मगर अभी भी जो मुख्य दो मांगे हैं एमएसपी को लेकर और कृषि कानून को वापस करने की, वो कहीं ना कहीं वो 4 तारीख को होगी, मगर उसको लेकर आज किसानों के संगठनों के बीच में बैठक है और बैठक के अंदर ये रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना है या सरकार से बात करनी है, या फिर बात करने के साथ साथ अगर कृषि कानून वापस नहीं लेती है तो फिर अगला कदम क्या होगा। मगर आज जो नए साल की शुरुआत है किसानों की तरफ से, तो किसानों के लिए किसानों ने कहा था कि जनता यानी कि पूरे देश की जनता उनके साथ आकर एक दिन के लिए बैठे और उनके साथ लंगर ग्रहण करें ताकि सरकार को सीधा सीधा मैसेज पहुंच सके कि जो अन्न उगाता है वो आज किसान सड़कों पर बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी सरकार है और सरकार को कृषि कानून वापस लेना चाहिए ताकि किसानों की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचे और सरकार कहीं ना कहीं कृषि कानून को वापस करे और किसानों की जो मांग है उसको भी दूर करे। मगर कहीं ना कहीं हर तरीके से सरकार है कि कानून कृषि कानून को पीछे वापस नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालती नजर आ रही है। मगर देखना होगा जो आज किसान संगठन की जो बैठक है उसके अंदर क्या कदम उठाए जाते हैं या फिर अगला कदम क्या होगा किसानों का, वो जरूर देखना होगा। मगर हाँ, ये जरूर है कि ट्रैक्टर मार्च जरूर उन्होंने कैंसिल कर दिया था जो 31 तारीख को होना था, वो अब आगे की प्रक्रिया देखने के ऊपर मिलेगी कि किस तरीके की बैठक होती है, बैठक के अंदर क्या रणनीति बनाई जाती है किसानों की तरफ से। जी तो राजीव, इसी के साथ अब जिस तरीके से अब 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक होने वाली है और सब लोगों की या देश भर में भी कह सकते हैं कि देश भर में एक साथ साथ किसानों की भी निगाहें 4 जनवरी की बातचीत पे टिकी हुई है, क्या लगता है? लेकिन दिल्ली पर किसान है कि वो टस से मस नहीं हो रहे, सर्दी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब क्या लगता है कि 4 जनवरी को इनकी बातचीत में क्या कुछ हो सकता है, क्या सरकार इनकी बात मानेगी? देखिए, बिल्कुल सही, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में जो दुविधा बनी हुई थी वो सबसे बड़ी दुविधा थी दो मुद्दों को लेकर, एक तो कृषि कानून को लेकर और दूसरा एमएसपी को लेकर। मगर कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आ रही थी वो अब दूर होती नजर आ रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, अभी भी किसानों की जो दो मुख्य मांगे हैं वो दोनों जैसे थी और वैसे ही बनी हुई है। मगर अब सरकार 4 जनवरी को जो बैठक करेगी, क्या लगता नहीं है ऐसा कि जिस तरीके से सरकार के बार बार कहने पर कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, कृषि कानून वापस नहीं होगा, यहाँ तक निशाने भी कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर किसान है कि उसी मांग को लेकर सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर अभी भी किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो कृषि कानून वापस नहीं तो हम इसी तरीके के प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे हमें ठंड में बैठना पड़े या फिर महीने दो महीने और बैठना पड़े, मगर जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर 4 तारीख की जो बैठक है यानी 4 जनवरी की जो बैठक है उस पर क्या नतीजा निकलेगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। मगर एक चीज स्पष्ट है, अगर कृषि कानून वापस नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आंदोलन जारी रहेगा और अगर कृषि कानून वापस हो जाता है तो फिर सरकार ने इतना लंबा समय क्यों लगाया। तो राजीव, इसी के साथ अब ये किसानों ने सीधा सीधा अल्टीमेटम दिया है कि 4 जनवरी को उनकी बातचीत में जो भी बातचीत होगी, जो भी अपना हल निकलवाना चाहते हैं, मांग को पूरी करवाना चाहते हैं, अगर वो मांग नहीं मानी गई तो वो सीधा उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि 26 जनवरी को उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या लगता है कि कितनी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है किसानों के साथ साथ आम जनता को भी?
देखो बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार किसान कह रहे हैं कि 26 जनवरी की जो परेड है वो नकली निकाली जाती है, हम असली परेड निकालेंगे, यानी कि असली जो किसानों की झांकी होगी वो यहाँ से सिंधु बॉर्डर से और जगहों से निकलेगी जो दिल्ली की सीमाओं को सील करेगी। मगर बात करें जिस तरीके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।